हालेलुया। मेरी ओर से सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर दलजीत कुमार आपका स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। आज जो हम प्रभु के वचन को आपके पास लेकर आए, आज जो हमारा टॉपिक है कि बहुत से लोग उद्धार पाने की खोज में, बहुत से लोग मुक्ति की खोज में ढूंढ रहे कि मुक्ति कहाँ पर मिलती है, कहाँ से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर जो जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर, जो उसने जमीन को बनाया, आसमान को बनाया और इसे बहुत सुंदर बनाया और इसे हर तरह के जीव जंतु और पंछी से उसने भर दिया, और हम देखते हैं कि फिर परमेश्वर ने, बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने फिर एक इंसान को बनाया, एक उसका नाम आदम रखा, एक औरत को बनाया और उसका नाम उसने हव्वा रखा, और उन दोनों को एक अच्छे बाग में रख दिया। और जब उस बाग में उन्हें रख दिया और परमेश्वर लिखा हर शाम उनसे मिलने के लिए आते थे, उनके साथ संगति करने जाते थे, उन्हें परमेश्वर को ढूंढने के लिए कहीं भी जाना नहीं पड़ता था, लेकिन वो खुद परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आते थे। हालेलुया। और फिर बाइबल हमें बताती है कि फिर उस आदम ने पाप कर दिया और परमेश्वर के कानून को, परमेश्वर के हुक्म को उसने तोड़ दिया और वो परमेश्वर से दूर हो गया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर, वो पाप के साथ नहीं रह सकते, वो पापी मनुष्य को पसंद नहीं करते, लेकिन वो मनुष्य के पसंद करते, लेकिन अगर वो मनुष्य पाप में गड़ा हुआ है, पाप के अनुसार अपनी जिंदगी को जी रहा है, तो फिर परमेश्वर उसे पसंद नहीं करते, उसे पाप को छोड़कर परमेश्वर के पास आना होगा। और आदम जब पाप में गिर गया और पाप के कारण वो परमेश्वर से दूर हो गया, और फिर हम देखते कि ये पूरी दुनिया आदम से बनती गई, जनरेशन बाई जनरेशन लोग बढ़ते गए, अलग अलग सभ्यताएं और कबीलों में वो बट गए, वो पूरी दुनिया में फैल गए, लेकिन उस इंसान ने परमेश्वर के साथ अपना रिलेशन फिर से बनाने के लिए, उसे अपना अपनी संगति फिर से बनाने के लिए कोशिश नहीं की, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उनके अंदर एक चाहत थी परमेश्वर के लिए, उन्होंने जीवित परमेश्वर के रूप को मूर्तियों और जलपायों के साथ उन्होंने बदल दिया, उन्होंने लकड़ी को, उन्होंने पेड़ को, उन्होंने पानी की पूजा करनी स्टार्ट कर दी, लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर को नहीं जाना, वो लोग परमेश्वर को पत्थरों में ढूंढने लगे, पहाड़ों में ढूंढने लगे, वो लोग परमेश्वर को लकड़ी की मूर्तियों में ढूंढने लगे, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर, वो कोई मूर्त नहीं है। उन्होंने, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप पर बनाया, हम जीवित हैं, हम एक मूर्ति तो बना सकते हैं, हम अब देखते हैं कि बाजार में ऐसी मूर्तियां मिलती हैं जो बिल्कुल इंसान की तरह दिखती हैं, हालेलुया, लेकिन हम उस मूर्ति को जीवित नहीं कर सकते, हम उसमें प्राण नहीं फूंक सकते, लेकिन परमेश्वर में ये ताकत है, हालेलुया। और जब लोग बढ़ते गए तो लोग पाप भी बढ़ता गया, और पाप इतना बढ़ गया कि इंसान परमेश्वर से बहुत दूर हो गया, और वो एक दूसरे को मारने लगा, वो एक दूसरे के विरोध में हो गया, एक दूसरे का दुश्मन बन गया। लेकिन हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर तो पूरी दुनिया से प्रेम करने वाले, परमेश्वर ने इंसान को इसलिए नहीं बनाया था कि वो उसे दूर कर दे, उससे रिश्ता सदा के लिए तोड़ दे। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में परमेश्वर को ढूंढते हैं आज भी लोग, कोई कहाँ कहीं जाता है और कोई कहीं पर जाकर परमेश्वर ढूंढ रहा है, लेकिन परमेश्वर खोए नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कहीं पर खोए नहीं है, मनुष्य आज का इंसान खो चुका है, और बाइबल कहती है कि बाइबल का परमेश्वर खुद, जो परमेश्वर था जमीन को आसमान को बनाने वाला, वो खुद एक मानव का रूप लेकर इस धरती पर आ गया और उसका नाम यीशु मसीह रखा गया। हालेलुया। अगर आप अब प्रचार ध्यान से सुन रहे हैं तो अगर कहीं पर यीशु मसीह का जिक्र आता है तो लोग ईसाई धर्म के बारे में बात करने लगते हैं, नहीं अगर हम यीशु मसीह के पास जाएंगे तो ये ईसाई धर्म है, हम ईसाई धर्म को अपना लेंगे। हालेलुया। जब हम बाइबल में हम देखते हैं कि बाइबल में यीशु मसीह की कोई धर्म नहीं है, वो कोई जाति नहीं। हम बाइबल में से एक वर्ष को पढ़ेंगे, लूका की इंजील उसका दूसरा अध्याय और उसका 11 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वह मसीह प्रभु की उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। और बाइबल हमें बताती है कि दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, कोई व्यवस्था देने वाला नहीं, कोई न्याय करने वाला नहीं, कोई धर्म बदलने वाला नहीं जन्मा है, लेकिन उद्धारकर्ता जन्मा है, मुक्ति देने वाला पैदा हुआ है, और वो परमेश्वर, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने पूरी दुनिया से प्रेम किया, किसी 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 अलग से नहीं, किसी अलग जाति से नहीं किया, किसी गोरे लोगों से नहीं किया, किसी काले लोगों से नहीं किया, किसी रेड लोगों से नहीं किया, परमेश्वर ने पूरी दुनिया से प्रेम किया और हम पूरी दुनिया एक ही है। हालेलुया। एक ही आदम से हम लोग निकले हैं और बाइबल कहती है कि उसने पूरी दुनिया के लिए अपने उद्धारकर्ता को इस धरती के ऊपर भेजा। और हमारा आजकल जो जिस विषय में हम बात कर रहे हैं कि हम मुक्ति कहाँ पर आए, वो परमेश्वर जब इस धरती पर आए हमने उसे पहचाना नहीं।
हमने उसे जगह नहीं दी अपनी जिंदगी में। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह अपनी माता के पेट में थे, जब वो पैदा नहीं हुए थे, वो एक नगर में गए और लिखा सराय में उनके लिए जगह नहीं थी। सराय में बहुत सी जगह थी लेकिन उनके लिए जगह नहीं थी। हाँ, आज के इंसान ने उन्हें पैदा होने के लिए भी स्थान नहीं दिया और वो अपनी सेवकाई के दौरान बीमारों को चंगा करते थे, रोगियों को चंगा करते थे, पाप में फंसे हुए लोगों को निकालते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे, बहुत सारे अचंभे कार्य उन्होंने किया। वो इसलिए इस संसार में आए कि वो रिश्ता जो इंसान का परमेश्वर से टूट चुका था उसे दोबारा से स्थापित कर सके। बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी मौत है, लेकिन वो मौत जो हमें नरक तक लेके जाएगी, लेकिन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने इस धरती के ऊपर आकर उन सब पापों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। बाइबल कहती है लहू बहाए बिना माफी नहीं मिल सकती, और बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से उस क्रूस के ऊपर जब वो थे, उस क्रूस के ऊपर उन्होंने हमारे लिए मार गए, उनके हाथों में कीलों को ठोका गया, उनके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उन्हें लिखा वो श्रापित कहलाए, वो उनके ऊपर सारी शर्म और सारी बीमारी उस समय आ चुकी थी। उन्होंने हमारे लिए बड़े दुख और कष्ट को सहा, उन्होंने अपने शरीर का आखिरी खून का कतरा तक बहा दिया कि वो हमारी सजा को ऊपर ले दें। और बाइबल कहती है जब हमारी सजा उनके ऊपर आई, तो अगर हम ये विश्वास करते हैं कि पिता कि मैं पापी हूँ और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह मारे गए, तो फिर हम परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के पास जा सकते हैं, वो पिता जिसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा था। और बाइबल हमें बताती है कि वो हमारी जाति या धर्म बदलने के लिए नहीं आया, वो इसलिए आया कि हमें परमेश्वर के पास ले सके। उस क्रूस पर यीशु मसीह जब थे, जब उन्होंने अपना आखिरी शब्द जब बोला पूला, इब्रानी में उसका मतलब है कि पूरा हुआ, जब उसे उन्होंने पूरा सब कुछ पूरा कर दिया उस पर, और तब उन्होंने अपने लिखा प्राण त्याग दिए। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि मैं यरूशलेम में अपनी जान देने के लिए जाता हूँ। उन्होंने कहा था मेरे प्राण मुझसे कोई छीन नहीं सकता, मैं खुद इसे मानव जाति के लिए देता हूँ और फिर से इन्हें लेने की अधिकार भी रखता हूँ, और फिर से मुर्दों में से जिंदा हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह एक उद्धार करता है। उसके नाम का मतलब ही ये है कि हमारे लिए पुत्र पैदा होगा, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। इमैनुअल का मतलब कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमें परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर इस धरती पर हमें ढूंढने के लिए आ गए। हम पाप में खो चुके थे कि वो हमारा उद्धार करे। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हुए हमारे उद्धार के लिए क्रूस पर मारे गए। अगर हम क्रूस की मौत के ऊपर और उस क्रूस की उस महान कुर्बानी के ऊपर विश्वास करें, और अगर हम ये कहें कि पिता सचमुच आप उस क्रूस पर मेरे गुनाहों के लिए मारे गए, तो हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, उद्धार क्रूस के ऊपर मिलता है क्योंकि वहां पर यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा किया है। हालेलुया। अगर आप इस प्रीच को सुन रहे हैं, अगर आप अपने हृदय से में ये मानते हैं कि परमेश्वर आपके लिए मारे गए, हमने पाप किया और परमेश्वर मारे गए, तो मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं, आप परमेश्वर को जान सकते हैं। वो परमेश्वर जिसने अपने हाथों से आपको बनाया, आपसे पहचान सकते हैं और उसके साथ रह सकते हैं, संगति कर सकते हैं। हालेलुया। और अगर आप अपनी आँखों को बंद करें, आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। है पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैंने तेरे वचन को सुना है, मैंने जाना है कि उद्धार जंगलों और पहाड़ों में नहीं प्यारे पिता, वो क्रूस पर मिलता है, वो क्रूस से आपने सब कुछ पूरा किया है। मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, आप मेरे धर्म को बदलने नहीं उद्धार को देने आए। मैं आपको स्वीकार करता हूँ अपने प्रभु के रूप में, मेरा उद्धार कर दीजिए और मेरे जीवन में आ जाइए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। हम फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के वचन के साथ। तब के लिए सबको मेरी ओर से जय मसीह।